सुशांत मामले में आ रहा था कि रिया चक्रवर्ती उसको गिरफ्तार कर गया है, गिरफ्तार क्या लगता है कि बिहार के जो बेटा थे सुशांत राजपूत उनको इंसाफ मिल चुका है? सर मैंने तो कह ही दिया था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, जब मैंने सबसे पहला कहा था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है तो फिर उस पर कहाँ कोई बहस थी। न्याय इसका राजनीतिक इस्तेमाल अब नहीं होना चाहिए ना, लोग इसको राजनीतिक इस्तेमाल के रूप में आप देख करते हैं, ये ठीक नहीं है। रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, इसमें कोई बहस ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता है। सुशांत आत्महत्या की ही नहीं, रिया ने मारा है और उसके मारने में कई लोग शामिल हैं, इसलिए उस पर कोई बहस नहीं, बहुत क्लियर है, उस पर सोचने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन बड़ी मछली है ये देखना जरूरी है, दूसरा देखना ये जरूरी है कि एसपीडी ट्रायल हो जाए, रिया जैसी मछली को बचाने में बहुत से लोग लगेंगे वो ना हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, ये मैं सह चाहता हूँ, तभी ये जो गैंग है, ये जो फोकस है, एक फोकस और गैंग के भीतर डर पैदा होगा, अन्यथा हम कभी भी सही कलाकार को जन्म नहीं दे पाएंगे। और मेरा मानना है कि इसको अब राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए, जब हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से पॉलिटिशियन या कोई लोग उसकी राजनीतिकरण, उसके लाश पर राजनीति करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। हमको न्याय के लिए आगे बढ़ना था और न्याय के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर इसमें ये भी मामला आ रहा था मुंबई के जो आईजी थे वो भी संलिप्त नजर आ रहे, क्योंकि रिया को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, बीएमसी के यहाँ से जो अधिकारी जा रहे थे उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा था। सर वो क्या बचा रहे हैं, वो कोई नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और मुझे लगता है कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, सामने आएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब देखेंगे, कई सारे केसेस हैं जिसमें सीबीआई आज तक उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाई है, तो हम जरूर चाहेंगे कि सीबीआई हर पहलू पर ध्यान दे और इसके पीछे हैं कौन कौन, इस पहलू को जरूर सीबीआई ध्यान। ठीक है, ठीक है।